दोस्तों, कैसे हो आप? जीके भाई मास्टर सन्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऑनलाइन पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए शिक्षकों को कक्षाओं से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑनलाइन पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को शिक्षण शुल्क नहीं लेने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि ऑनलाइन पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए शिक्षकों को कक्षाओं से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था से जुड़े सभी खर्चों समेत इसके लिए बड़ा ढांचागत बंदोबस्त करना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं के बाद यह करना कहना कि स्कूलों को शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बेतुकी बात होगी। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस हरिशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें निजी स्कूलों को कोरोना से उपजे मौजूदा हालात को देखते हुए छात्रों से शिक्षण शुल्क लेने न लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा, दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि कई निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के प्रयास स्वागत योग्य कदम हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2020-2021 के शिक्षण सत्र के दौरान छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी नुकसान नहीं हो। पीठ ने कहा, हम पूरे मन से इस भावना का समर्थन करते हैं। स्कूलों और शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करने में तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षाएं लगाने में मेहनत से किए गए प्रयासों का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है। नियमित कक्षाओं में आमने सामने छात्रों को पढ़ाने की ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों के प्रयासों से दूर दूर तक तुलना नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।